हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव एंड चैनल। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक ब्लैक साड़ी बनानी सिखाई थी। उसका जो बॉर्डर था मैंने अपनी पुरानी साड़ी से निकाल के लगाया था। उस साड़ी का जो सेंटर का वाला पीस मेरा येलो बचा था, ये देखिए। आज मैं आपको उस सेंटर वाले पोर्शन को जो बचा हुआ था उस पर ब्लॉक प्रिंटिंग करके दुपट्टा बनाना सिखाने जा रही हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं ब्लॉक प्रिंटिंग का प्रोसेस। ये देखिए मेरे पास ये ब्लॉक है जिससे मैं करने जा रही हूँ। और ब्लॉक प्रिंटिंग करने के लिए हमें एक स्पॉन्ज की ज़रूरत पड़ती है, ये फॉर्म शीट की, और फैब्रिक कलर्स की ज़रूरत पड़ेगी हमको। जो भी कलर आपका आपके क्लॉथ के साथ मैच करे आप वो ले लीजिएगा। इस दुपट्टे में आपको जिससे कनेक्ट करके दिखाना चाह रही हूँ वो ब्लैक कलर से, पर जो दुपट्टा मैंने किया है वो मैंने रेड कलर से किया है। तो ये ब्लैक कलर का फैब्रिक कलर है। और हमें ब्रश चाहिए, पेंट ब्रश चाहिए, फ्लैट या राउंड कोई भी चलेगा। और एक बाउल में हमें वाटर, तो ये सबसे पहला हमारा काम होगा, जो ये हमारा स्पॉन्ज होगा इसको हमें वाटर के अंदर डिप करके, ऐसे वाटर में डिप करेंगे और उसका जो एक्स्ट्रा वाटर होगा उसको हम ऐसे स्क्वीज आउट कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो है कलर कम लगेगा। और फिर इसको हम एक अपनी प्लेट के अंदर रख लेते हैं। ये देखिए एक प्लेट के अंदर मैंने ये जो वेट किया हुआ स्पॉन्ज है उसको रखा, और ब्रश की हेल्प से मैं इसमें कलर लगा रही हूँ। फैब्रिक कलर यूज़ करना, थोड़ा आप उसे डाइल्यूट भी कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा थिक तो हमारी ब्लॉक में चलेगा नहीं, क्योंकि ये फोम जो है हमारा कलर अब्सॉर्ब करेगा। मैंने पूरे फोम के ऊपर मैंने ये ब्लैक कलर लगा दिया है। जितना बड़ा आपका ब्लॉक होगा स्पॉन्ज आपको उसी के अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा। मेरा ब्लॉक छोटा है तो मैंने ये इसी साइज का फोम छीट लिया। ये देखिए मैंने फोम पे कलर लगा दिया है और ये मेरा ब्लॉक है। ये मार्किंग करने के लिए आपको एक मेजरिंग टेप की भी जरूरत पड़ेगी। ये हमारा मेजरिंग टेप है, इसको हम यहाँ पे रखते हैं साइड पे। जितना भी आपका हो तो उसका पहले आप सेंटर ले लीजिए। ये हमारा 36 इंचेस है, तो मैं एक मार्क को मैं सेंटर पे यानी 18 इंचेस के ऊपर मैं एक मार्क लगा लेती हूँ, और एक कॉर्नर में इधर और एक इधर लेफ्ट साइड के कॉर्नर में। ये देखिए ये मैंने मार्किंग कर दिए, एक इधर, एक सेंटर में और एक इधर। अब इन दोनों के बीच में एक हम मार्क कर देंगे इधर, और इन दोनों के बीच में एक मार्क कर देंगे। ये हमारी फर्स्ट रो हो जाएगी। अब सेकेंड रो में जब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी दो फर्स्ट है इसके सेंटर में हम एक लगाएंगे, फिर ये जो है दो इसके सेंटर में एक लगाएंगे। यानी कि हमारी फर्स्ट रो में अगर 5 है तो नेक्स्ट रो में हमारे 4 ब्लॉक्स लगेंगे। थर्ड रो में अगेन 5, इस तरह से हम करेंगे। आप पहले मार्किंग भी कर सकते हैं या साथ साथ भी आप मार्किंग कर सकते हैं, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। ये देखिए मैं यहाँ पे मैंने अपना इंची टेप रखा ताकि वो हमारी लाइन स्ट्रेट जाए। और ब्लॉक प्रिंटिंग करने के वक्त आपको ये ध्यान रखना, जिस भी हार्ड सरफेस पे, टेबल पे, आप इस ज़मीन पे बैठ के जैसे भी करेंगे तो वो हमारा नीचे वाला पोर्शन जो है वो जैसे गद्दे की तरह, जैसे हम प्रेस करते वक्त कुछ थिक चादर वगैरह बिछाते हैं, उसी तरह से आपको एक पहले बिछाना होगा, उसके बाद आपने अपना क्लॉथ रखना होगा। तो ये देखिए ये ब्लॉक है, ब्लॉक को मैं फोम के ऊपर रखूँगी तो ये मेरा कलर इसके ऊपर आ जाएगा, ब्लॉक के ऊपर आ जाएगा। तो आप ये ध्यान रखिए, अगर आपका ज़्यादा कलर आ रहा है तो आप न्यूज़पेपर रखिएगा और न्यूज़पेपर के ऊपर उसको डैप कर दिए ताकि आपका एक्स्ट्रा कलर रिमूव हो जाएगा। एक दो बार पहले आप अपने ब्लॉक को पेपर पे रख के करके देख लीजिए। ये देखिए मेरा तो एग्जैक्ट है, तो मैं इसको पेपर पे नहीं रख रही हूँ। ये ब्लॉक को ऐसे रखिए, लेफ्ट हैंड से पकड़े और राइट हैंड से आप उसको ऐसे प्रेस कर दीजिए, और उसको उठाने के लिए आप उसको बैक साइड इस तरह से आप उठाएंगे। ये देखिए मेरा एक ब्लॉक लग चुका है। अब मैं स्ट्रेट लाइन आई तो मैं अपने इंची टेप को यहीं पर ही रखूँगी, और जो मैंने कॉर्नर में राइट और लेफ्ट साइड में मैंने मार्क किया मैं वहाँ पे रिंग करूँगी। पकड़ो उसको ऐसे प्रेस कीजिए, और उठाने के वक्त उसको ऐसे बैक साइड पे आपने करके उठाना है। ब्लॉक पे कलर आपको हर बार लेना होगा।
और जब आपको लगे कि आपके फोम में थोड़ा कलर कम आ गया, लाइट हो गया, तो आप कलर और ब्लॉक पे ऐड कर लीजिएगा। ये देखिए मेरी फर्स्ट रो बनके तैयार हो गई है। अब सेकंड रो में मेरे को क्या करना होगा, मैंने आपको बताया था इन दोनों के बीच में एक यहाँ पे मैं लगाऊंगी, फिर इन दोनों के बीच में एक ब्लॉक लगाऊंगी। इस तरह से फर्स्ट रो में अगर मेरे 5 है तो नेक्स्ट रो में मेरे 4 ब्लॉक्स आएंगे। जितना भी आपको डिस्टेंस रखना है आप वहाँ पे अपना मेजरिंग टेप रखिए। अब इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में मैं एक ब्लॉक लगा देती हूँ। अब मेरा थोड़ा ब्लॉक में स्पॉन्ज में कलर थोड़ा कम हो गया, इतने ब्लॉक्स लगा तो मैं थोड़ा और कलर अपने ब्लॉक पे लगा दे। ये मैं चेक कर लेती हूँ कि साइड पे मेरा कलर तो नहीं लगा हुआ एक्स्ट्रा। और करते हुए थोड़ा ही प्लीज़ ध्यान रखिए कि आपके दुपट्टे में या जो भी जिस भी मटेरियल पे आप प्रिंटिंग कर रहे हैं आपके कलर ना लगे। अगर इन एनी केस अगर आपका कलर लग भी जाता है तो आपको उसको इमीडिएट आप उसे वॉश कर लीजिए। ये मेरी 2 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। देखिए मेरी ये 2 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। आप थर्ड रो में जाएगी तो इसमें मेरे फिर से अगेन आई हैव टू पुट 5 ब्लॉक्स। में से जो मैंने एक साड़ी बना ली, एक दुपट्टा निकाली और जो उसका लेफ्ट ओवर था उससे मैं अभी एक अपना एक स्टॉल बनाने जा रही हूँ। स्टॉल को मैंने जब मैं ब्लैक कलर से कर लेती हूँ क्योंकि दुपट्टे में मैंने रेड कलर यूज़ किया, बट ब्लॉक्स तो सेम ही है मेरे। ये ब्लॉक्स आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल जाएंगे, ये वुडन ब्लॉक्स होते हैं। थर्ड रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है, इसी तरह करके मैं पूरा का पूरा ये कर लूँगी। ये देखिए इसी तरह से मैंने ये पूरा अपना स्टॉल कंप्लीट कर लिया है। ब्लॉक प्रिंटिंग करने के बाद आपको क्या करना होगा, इसकी जो रॉ एजेस है या तो आप उसके ऊपर पिको मार्केट से पिको करा सकते हैं, पिको की फैसिलिटी अगर आपके पास अवेलेबल हो तो मशीन से भी आप कर सकते हैं। फिर उसके पास आपको अगर लेस लगानी है या कुछ और अलग से डेकोरेट करना चाहते हैं, आप बीट्स लगाना चाहते हैं या क्रोशिया करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं। मैंने तो मशीन से इस तरह से इसको फोल्ड करके पहले मशीन लगाया कि उसके बाद में मैंने अपनी लेस अटैच कर दिए और साइड में जो है मैंने अपने टॉम टॉम्स जो मैंने अपनी एक पिंक कलर की साड़ी पेंट की हुई है उसके ऊपर मैंने लगाया हुआ है। आप उसमें लिंक में आप ये देख सकते हैं ये मेरे टॉम टॉम्स कैसे बनाएंगे। मैं फिर भी एक थोड़ा सा बहुत फास्ट से मैं इसको रिपीट कर दूंगी कि वो मैंने कैसे बनाए हैं। साइड्स में मैंने रेड कलर के वो टॉम टॉम्स लगाए हैं, जो पल्लू का रेड कलर का कपड़ा था वही सेम मैंने यूज़ किया है, आप भी यूज़ करके लगा सकते हैं। ये जो मैंने अपना ये दुपट्टा तैयार किया है वो आप देखिए, ये इसकी राइट साइड है। ये कॉर्नर में जैसे कि मैंने आपको बताया मैंने ये एक अपनी जो पिंक साड़ी में टॉम टॉम्स बना के लगाए हुए उसी तरह से मैंने इसमें भी अटैच कर दिए क्योंकि मेरे पास रेड कलर जो पल्लू का बचा हुआ था वो मैंने लगा दिया है और ये रेड कलर की लेस भी हमने लगा दी है। और मैंने इसको इस तरह से लगाया ताकि वो मेरा दुपट्टा राइट साइड से हो तो भी दिखाई दे और लेफ्ट साइड से हो तो भी वो दिखाई देगी। आप फ्रेंड्स देखिए मेरा दुपट्टा तैयार होने के बाद किस तरह से लगेगा। ये तो दोनों एजेस हैं, ये देखिए साइड्स के, देखिए दोनों साइड में जहाँ पे मैंने ये रेड कलर के टॉम टॉम्स लगाए हैं ऊपर नीचे दोनों साइड लेसेस है और बीच में ब्लॉक प्रिंटिंग की है देखिए। तो चलिए मैं इस दुपट्टे को आपको लेके दिखाती हूँ कि किस तरह से लगेगा हमारा दुपट्टा। देखिए मेरा दुपट्टा बिल्कुल रेडी है ब्लॉक प्रिंटिंग का। ब्लॉक प्रिंटिंग की चीज़ों के लिए आपको मैं एक प्रिकॉशन थोड़ी बता देती हूँ, इसकी वॉशिंग केयर्स क्या करनी होंगी आपको। ब्लॉक प्रिंटिंग करने के बाद में आपको क्लॉथ को 24 आवर्स के लिए बिल्कुल वॉश नहीं करना है और उसको 24 आवर्स के बाद बैक साइड से आप उसको आयरन कर दीजिए, फिर इससे आपका कलर फिक्स हो जाएगा। और थैंक यू, आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी।
मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।